सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। मैं आ गया हूँ और एक नए एपिसोड के साथ पोकेमॉन एडवेंचर चैप्टर में। और पिछली बार हमने क्या किया था, बहुत दिन हो गया ना, याद नहीं आ रहा। जहाँ हमने इस जिम को चैलेंज किया था और हमें मिला था बोल्डर बैज। और अब हमें आगे जाना है और हमारा पोकेमोन जो है सोनो, हमारे पास तीन पोकेमोन है। वाह। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपने सेकंड फॉर्म पे है, ये भी अपने सेकंड फॉर्म पे है, क्योंकि ये दोनों मुझे सेकंड फॉर्म पे ही मिले थे। ये फर्स्ट पे मिला था लेकिन इसका इवोल्यूशन दिखा नहीं। तो हम लोग आज सोनू को इवॉल्व करने वाले हैं इन टू सोनू ही रहेगा वैसे, पर आईवी सोर में। और ये इससे मेरा पूरा टीम सेकेंड स्टेज तक इवॉल्व होगा, पूरा फुल टीम सेकेंड स्टेज तक इवॉल्व होगा। ओके, तो मुझे पता नहीं, ये वीडियो बस इसलिए है कि मैं इसे ये करूँ, ये लेवल इवॉल्व करूँ। मैंने क्या सोचा था कि इस वीडियो में आने से पहले ही मैं इसे इवॉल्व कर लूँगा। हाँ, पर जब मैंने ट्राई किया तो वो 16 लेवल पे इवॉल्व ही नहीं हुआ, मतलब उसको और आगे जाना पड़ेगा इवॉल्व होने के लिए। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए। पोकेबॉल्स, इसमें यही प्रॉब्लम है, दिखाता ही नहीं कितना मेरे पास है बैग में, अभी देखना पड़ेगा। मुझे दो पोशन है, वाह बहुत ज़्यादा है, कम है मुझे पता है। एंटीडोट है एक, ये चाहिए, ये फ्रेश होता है। अच्छा ठीक है, मतलब पोशन अभी ज़रूरी नहीं है ना। दो फ्रेश वाटर और कुछ, दो पोशन खरीद लूँगा तो हो जाएगा, और कुछ एंटीडोट्स। और पोकेबॉल में छः पोकेबॉल है। ओके, आराम से कोई पोकेमोन को पकड़ सकते हैं। तो मुझे ये दो लेना है, ये दो ले लिया। अच्छा रिवाइव भी आ गया है क्या, और इसको दो ले लेता हूँ। तीन है मेरे पास पोकेमोन, इसको तीन ले लेता हूँ। और रिवाइव तो औकात नहीं इतनी खरीदने की, फिर भी एक रिवाइव लेके चलता हूँ मैं। अब फ्रेश वाटर की बारी, तो फ्रेश वाटर, ओ बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो दो फ्रेश वाटर ले लेता हूँ। और ये सब बाद में लूँगा, अभी ज़रूरत नहीं, इतने पोकेमोन ही नहीं है कि मैं इतने सारे आइटम लूँ। सो, मैंने तो इस सिटी को एक्सप्लोर कर ही लिया है, तो चलते हैं आगे रूट ट्री पर। ओ ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ जाओ कि वहाँ जाओ। ओके, यहाँ ट्रेनर है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसके पास जाऊँ, इससे बात करूँ। वो उस कोने में क्यों है, क्या? ओ नो, ग्रीन, वाह। ओ ओ, उसे एक चीज़ याद आ गया, मतलब अच्छा हाँ, हमारा ये इसके साथ सेकंड बैटल है, और मेरे फायर रेड वाले में भी मैंने सेकंड बैटल किया था उससे, मतलब वीडियो दोनों ग्रीन के साथ ही चली गई। और हाँ, मैंने दोनों का नाम ग्रीन ही रखा है, उसका नाम गैरी रखना था। जा जा क्यों बोला मैंने, ठीक है, वेट अप ग्रीन, आई What do you want here to float? That's green. That doesn't sound clearly, but I have more class than that. इस सिंपल में बात क्यों नहीं कर सकता? That red. It's a shame that we never got to fight each other in the tournament. That's because you have in a different tournament.
basket. You don't say, me same mind, friend. Yeah, okay, no need for that scram. So what do you want? How about a good old friendly battle between two rivals? After all, our little match back in Viridian Forest wasn't really a test match to who's the strongest trainer. Oh, okay, my Pokemon will beat you. Oh, confidence. Such a hard head up. Red, as you may have noted, my Charmeleon is now a Charmeleon. So mere paas bhi ek naya Pokemon hai, Pikachu. It's in a whole different league now. सो गाइस, मैंने इसके गेम प्ले को स्पीड अप कर दिया है क्योंकि मैंने इसे इसकी बैटल में आराम से 12 मिनट लगा दिए थे, तो मैंने इसे 4 स्पीड में कर दिया है एडिटिंग के समय। मैं ये बाद में भी कहने वाला हूँ, तो ये गेम प्ले का मज़ा लीजिए। मैं बीच में ज़रूर बोलूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए था तो सही होता वैसे। हाँ, मुझे इसका जगह सोबल को निकालना चाहिए था, वो आइस भी मार देता पहले ही। हाँ, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो पहले ख़त्म कर देता। तो देखा, जैसे मैंने कहा था, सोबल को पहले निकालना चाहिए था। और इसमें मैंने ये किया, देखना अभी मैंने आइस भी कर दिया था। मुझे ध्यान से मूव देना चाहिए था। मैं सोच रहा था ये स्मोक स्क्रीन कर रहा है, मेरे एक्यूरेसी कम होगा, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ नहीं और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, नहीं तो उसके चक्कर में मैं वो हो गया, मैंने कुछ और कर दिया, कोई बात नहीं। और हाँ, मैंने ये भी बोला था बीच में कि इसका वाटर गन एकदम वाटर गन जैसा नहीं है, मतलब एक बॉल जैसा है, जैसे बलून में नहीं हम पानी फेंकते हैं, वैसा है, होली में जश्न करते हैं वैसा है। मैं ये बोल रहा था, हाँ वैसे ही है। और हाँ, इसको हरा के देखिएगा कितना एक्सपी मिला है मुझे, 720 एक्सपी लेवल अप। सो हाँ, यू आर टू नर्वस रेड चार्मेंडर, यू टेक डाउन। मैं गेम नहीं खेलना बोल रहा हूँ, कसम से यार मैं गेम नहीं खेलने वाला। अगर इसने बताया कि मैं हार गया तो मैं ये गेम छोड़ने वाला हूँ, कसम से मैं गेम छोड़ने वाला हूँ। ये क्या बात हुई, इसने तो अटैक भी यूज़ नहीं किया था, मैं गेम छोड़ दूँगा। सी स्मेल यू लेटर रेड, हा 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 हा, आई रियली हेट दैट गाय। मैं मजाक कर रहा था, मैं ये गेम नहीं छोड़ रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें क्या लगता है, मैं ये गेम छोड़ दूंगा? वाह, मजाक कर, मुझे लगा वो लोग जिता देंगे, सेकंड टाइम था ना, पर हरा दिया। मैं हील करके आता हूँ गाइस। मैं सारे बैटल तो दिखाने वाला हूँ पर फास्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसे स्लो मो करने वाला हूँ तो जैसे कि मुझे गैरी को हराने, मतलब ग्रीन को हराने में, मतलब बैटल में ही मुझे कुछ 12 मिनट से लग गए, तो अगर मैं वो करूँ, क्या बोला ये, सॉरी कौन, अच्छा एक टीएम दिया मैंने, पढ़ा नहीं क्या बोला, लेकिन छोड़ो, टीएम मिला बाहर में, यहाँ से नहीं जा सकते, तो वही बात है। तो इसलिए मैं सब फास्ट फॉरवर्ड में करने वाला हूँ, और हाँ मैं गैरी की बैटल को भी फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा एडिटिंग में। अभी के लिए हैं और मैं पोके डॉलर्स, अब मुझे देखना है कि ये मुझे कितना देता है, मुझे सच में ये देखना है कि वो मुझे देगा कितना। ये स्लीप पाउडर तो एकदम इसे परेशान करके रखा है, कहा सेकेंड टाइम में उठ जाए, लास्ट टाइम भी पिकाचू ऐसे ही हट गया था ना।
पिकाचू स्पीड शायद बढ़ जाता है पता है, वो मूव यूज करे ना करे। पैरालाइज हील है मेरे पास, मैं सोनू को आगे रख के एक पैरालाइज हील यूज करने वाला हूँ। और मुझे पता है वो आते ही एक शायद स्लीप पाउडर यूज करेगा, तो सोनू कम आउट। इसे मुझे हील भी करना पड़ेगा क्या, ऐसे बैटल के दौरान ही हील करूँ। ये एक ये चला गया स्लीप पाउडर, मुझे नहीं लगता कि मुझे एक अटैक में मार पाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं इसे हील करूँ एक पोशन देके। ओके नहीं, हाँ ट्रीमीटर, और ट्रीमीटर से ओके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हारा नहीं हूँ। तो ये फिर ट्रीमीटर यूज़ करेगा मुझे पता था, और मेरा आइस बीम इससे पहले लगेगा क्योंकि मैं 19 लेवल का हूँ। और ये फ्रोजन हो गया, अब बस एक अटैक और ख़त्म। ओह ये दो बटरफ्ली लेके चलना डेंजरस, जीतना मुश्किल हो जाता है पता है सच में। अब मुझे फिर हील करके आना पड़ेगा। ये हीलिंग बहुत परेशान करती है। मैं हील करके आ गया वैसे कुछ और इधर। ओके पोके बॉल या पोशन है। ओ मैंकी नहीं, मैंकी तो नहीं चाहिए मुझे। ओए अब तो क्या, अरे यार ये बाप रे बाप, जाना पड़ेगा। ये तो वाट लगा दिया मेरा, ये वाला डेंजरस है, क्या इसे पकड़ूं। पकड़ सकते हैं पर इसे मैं थंबनेल में नहीं डालने वाला हूँ क्योंकि नहीं वैसे मर गया रहने दो। मैं बोलने वाला था कि वैसे भी मैं इसे मेनली यूज़ नहीं करने वाला हूँ, और मुझे फिर हील करने जाने वाला होगा। मैं इस बार दिखाऊंगा मैं हील करने जा रहा हूँ। सो इनर्स जॉय, ऐसे पोकेमोन अगर रास्ते में बार बार आए तो बैन बज सकती है। मैं इस वीडियो को ना सोच रहा हूँ क्या करूँ मैं ऐसा। आगे ट्रेनर्स तो है लग रहा है, ओके ट्रेनर्स तो कुछ हैं, पहले इससे बात करता हूँ, ये भी ट्रेनर ही होगी पक्का। ओके ओके मैं ट्रेनर की बातों पे ध्यान नहीं देता ना, ग्रीन की म्यूजिक। सॉरी मुझे पॉलीगोल करना पड़ेगा, पिकाचू कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता, ज़्यादा मतलब वो मर ही जाता है। और इस पर आइस थोड़ा इफेक्टिव है तो वो डिफरेस्ट हो गया। चलो एक वाटर गन काम कर देगा, तो एक गलती हो गई, मुझे इसको निकालना था, पर इसका 18 लेवल है, इससे मैच कर पाएगा। उधर तो यही है कि नहीं कर पाएगा। बस बाइट से ये हार चुका है एक बार, बता कैसे वो कंगस खान। ओ डिफेंस, ऐसे हर एक टर्न पे मैं तेरी लाइफ खींचने वाला हूँ। तो मुझे ज़्यादा वैसे मुझे लग रहा है ये अटैक करने से पहले ही हार जाएगा, जिस तरह ये सिर्फ फिजिकल मूव्स यूज़ कर रहा है मुझ पे। ओ नो 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 नो, क्या मैं फास्ट हूँ। इज आई एम फास्ट, आई एम नॉट।
मैं इसे रिवाइव कर दूँ क्या? क्या फ़ायदा हार्ट के? रुको रुको रुको, मैं इसे रिवाइव करना चाहूँगा। रुको 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 रुको, क्योंकि अगर इसको ही लेवल अप करना है, यही मर गया हर बैटल में तो चीज़ का नहीं होने वाला। तो इसको निकालता हूँ, बस ये मर ना जाए। आते ही नहीं मरना। ओके, बच गया। अब पॉली को निकालता हूँ। पॉली इसकी पक्का बैंड बजा देगा, और मुझे ये इसकी एक्सपी तीनों पोकेमोन को मिलने वाली है। फिर पिकाचू आया था उसमें, फिर हमारा सोनू आया है, और अब पॉली आया सहरा ने, तो सबको मिलना है इसकी भी। चलो लेवल 19 इवॉल्व होता है कि नहीं, इवॉल्व होता है कि नहीं, नहीं। ओके, मुझे लगता है इसको इवॉल्व करने में टाइम लगने वाला है, और क्योंकि इसे टाइम लगने वाला है तो वीडियो भी बहुत लंबी होने वाली है। अब देखते हैं, जैसे मेरे फायर रेन में पहले बस छोटे वीडियोज आते थे, धीरे धीरे सब बड़े होते जा रहे हैं। मैं सोचता था कि ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट की बनाऊँगा, पर अब तो बढ़ती ही जा रही है। जितने आगे जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। अभी मेरा फायर रेथ का भी कम मिनट का है, अभी कुछ दिन बाद और बड़ा होगा वीडियो। बहुत मेहनत करनी बाकी है, तो मैं हील करके आता हूँ। ओके, लाइट भी वापस आ गई, चालू कर दे। वाओ, कोइंसिडेंस, तूने, मैं सोचा था तू लड़ेगी तो मैं। ओके, ये तो बैटल कर रहा है, लड़की बैटल नहीं कर रही थी। अच्छा है, हमें अपने पोकेमोन को लेवल अप ही करना है। तो ओ माय गॉड, इसके पास 4 पोकेमोन है, बहुत अच्छे पोकेमोन की लेवल बहुत जल्दी बढ़ने वाली। तो वॉल टैकल से इसका काम हो जाना चाहिए। को पीका वॉल टैकल, और एक पोकेमोन क्या है, पीका हरा सकेगा? हाँ, हरा सकता है, स्पियरो है ना। तो अगर मैं पीका को भेजूँ, पीका को फिर से, तो हरा देगा, पर फेंट होगा शायद मेरे हिसाब से। नहीं, क्लियर किया है, फेंट नहीं होगा, नहीं होगा। ओ नो, मैंने गलती से वोल्ट टैकल की जगह वो ये कर दिया। पर अच्छा है हमारे पिकाचू को, एक मिनट सर, हमारे पिकाचू अटैक करे ना करे, उसकी स्पीड बढ़ती है शायद ना। लाइट बॉल पकड़ा पास से, हाँ स्पीड बूस्ट है, अटैक करता है तो स्पीड बढ़ता है। वही अभी अटैक किया, मुझे लगा वोल्ट टैकल से स्पीड बढ़ता है, पर ये तो टेल व्हिप से बढ़ गई, तो अच्छी बात है। हमारा अटैक पहले लगेगा और ये फेंट हो जाएगा। हम और एक को मार सकते हैं, पर रिकॉइल से हम भी मर जाएंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी आ रही है क्लफेरी आ रही ना, हाँ क्लफेरी आ रही है, तो इसको टेकडाउन वेकडाउन करके हम ही हरा देते हैं। इसको लीच सीध देते हैं, इसको लीच सीध दे के इस पर लेज़र लीफ करें ज़रा हम। इस पर से लीच सीट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्या? नहीं है, टेक डाउन करके देखता हूँ। हाँ टेक डाउन, ठीक है, मर जाएगी वैसे अगले टर्न में लीच से। ओके, हमारी हेल्थ भी फुल हो गई, और अब ये आ रहा है ना, तो मैं इसे रहने देता हूँ। क्या पता मैं इससे आ रहा था, इसको पिकअप हो जाए तो अच्छा ही है, मुझे फिर जाना नहीं पड़ेगा वापस। एक बार गलती हो गया, प्रॉब्लम हो गई, मैं इसे ही लेवल अप करना था, यही वो हो गया है। ये लेवल अप हो जाता मेरे हिसाब से, लेकिन चलो जाना ही पड़ेगा वैसे। और हाँ, मैंने पैसे जीते ही हैं, तो मुझे एक रिवाइव ख़रीदना ही पड़ेगा, एक या दो।
क्योंकि मैंने की वैक्स तो यूज़ कर लिया था पहले ही। बॉडी स्लैम, ओके यही लेवल इतना हो गया है। पाउंड से थोड़ा सा अच्छा है ना, हाँ पाउंड से तो अच्छा ही है। ये पैरालाइज भी कर सकता है, तो पाउंड की जगह सिखा देते हैं, काम आएगा। ठीक है, मुझे फिर हील करने जाना पड़ेगा, और अगर आगे ट्रेनर नहीं है तो मुझे ग्रास में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आगे ट्रेनर नहीं हुए तो गाइस मैं बात में हील करना भूल ही गया था, मतलब हील करने जाना, मैं सोच रहा था चला जाऊँ फिर याद आया नहीं हील तो किए नहीं, लुक्स में नहीं ना, नहीं आगे ट्रेनर्स नहीं है मुझे। ओ इधर एक बात है, चल तो कुछ तो करना पड़ेगा कि इसकी कितनी लेवल हमें बढ़ानी है अब वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से वाइल्ड पोकेमोन से बैटल करना इजी होगा। पिली बहुत बड़ी हो चुकी है तो क्या मैं वाइल्ड पोकेमोन से बैटल दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? मैं सोच रहा हूँ वाइल्ड बैटल नहीं दिखाऊंगा, जब वो इवॉल्व होने लगेगा तो मैं चालू कर सकता हूँ ना, ऐसा कर सकता हूँ। ओके ये तो हमारे पास एक रेयर कैंडी है, एट लास्ट उसको यूज़ करेंगे, नहीं हो पाया तो कम से कम 20 तक तो जाएंगे, फिर नहीं हो पाया तो देखेंगे। ओके तो मैं थोड़ी ग्रास में ट्रेनिंग कर लेता हूँ। ओके गाइस मैं इसे ट्रेन कर रहा था और ट्रेन करने में मुझे टाइम लगा क्योंकि यहाँ के पोकेमोन ज़्यादा एक्सपी नहीं दे रहे थे, पर उन्हें हराने में टाइम नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे पास लीप सीट था, मैं जाते ही पहले लीप सीट कर रहा था और हरा दे रहा था, तो अटैक से फ़र्क नहीं पड़ता था। पर अभी मैंने देखा ये लेवल 20 पे ये सीख रहा है पैतल स्टॉम, तो मैं तो सिखाऊंगा पक्का, ये बहुत अच्छा ग्रास टाइप मूव है और मुझे ये लगता है कि इसके बाद ये इवॉल्व हो सकता है, नहीं हुआ तो हम एक रेयर कैंडी इस्तेमाल करेंगे, और तब हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर ट्रेनिंग करेंगे ग्रास में और क्या। तो पैतल डांस सिखाते हैं पहले इसे, ये टेक डाउन है, 90 डैमेज दे रहा है ये, ओके क्रिटिकल हिट से ज़्यादा लगता है, ये तो मुझे बहुत पसंद है। 40 अच्छा खासा तो है, 5 टाइम्स लगता है, 40 इंटू 5 कर लो मतलब 200 मे बी, 2 to 5 होता है, अगर 5 लगा तो 200 नहीं तो 80 डैमेज देगा, तो क्या कर सकते हैं, टेक डाउन तो अच्छा खासा मूव है। सारे मूव ग्रास टाइप तो नहीं होने चाहिए, कम से कम कुछ तो अलग होना चाहिए ना, मतलब अलग टाइप का टाइप भी होना चाहिए, एक फिजिकल मूव तो अच्छा ही है मतलब। मैं क्या कर सकता हूँ कि हटा देता हूँ, ओके मैं लेज़र लिए हटा रहा हूँ, ओके ओके ओ तो अब मेरे पास एक रेयर कैंडी थी मैंने देखा था, तो मैं उसे ऐसे इवॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और मैं इसे इस जगह पे इवॉल्व करूँगा इस, ताकि मैं अगले एपिसोड में से आगे जा पाऊँ, मतलब अगर ये इवॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यहीं पे सेव करने वाला हूँ, इसलिए सोचा इवॉल्व हो तो यहीं पे। ओके गाइस दिस इज टाइम टू ट्रूथ, चलो क्रिएट कैंडी, ओके कैंडिडेट इज अटैक्ड विथ एनर्जी, इट रेयर्स द लेवल ऑफ ए पोकेमोन बाय 1। आप ठीक है ट्राई करते हैं 100 रुपये, ओके स्विट सेंट नहीं सिखा रहा,
ओके गाइस, ये लेवल 21 पे इवॉल्व होता है और अगर पोकेमोन अब लेवल 21 का है तो वी आर गेटिंग द यस सोनू इवॉल्व। कंग्रेचुलेशन यार, सोनू इवॉल्व इनटू आइविसॉर। वाह, ये हुई ना बात। अब हम हैं एक नए ताकतवर आइविसॉर के साथ। वाह, अब होगा ना। और इसका डिफेंस, स्पेशल डिफेंस अच्छा खासा है और स्पेशल अटैक भी अच्छा है। अटैक ठीक, सब अच्छा है मतलब। ओके ठीक है, अब क्योंकि हमारा पोकेमॉन इवॉल्व हो चुका है तो इसमें दो चीज़ें हुई इस वीडियो में। पहला हमारा पोकेमॉन इवॉल्व, पहला मतलब हाँ एक हमारा पोकेमॉन इवॉल्व हुआ और हमने अपने राइवल ग्रीन से बैटल की दूसरी बार। तो अब ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो, और कुछ छोड़ दिया हो या कुछ हो, कुछ भी हो या कुछ पूछना हो, कुछ भी हो तो मुझे कमेंट डाउन करो और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो। और मैं मिलता हूँ आप सबको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।